नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो हम अभी आए हैं बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में। तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आपके पास होना चाहिए एटीएम कार्ड। तो ये आप देख सकते हो मैं अपना एटीएम कार्ड लेके आया हूँ। आपको एटीएम कार्ड सबसे पहले तो यहाँ पर जो इंसर्ट करने की जगह होगी ना वहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हमने अपना एटीएम कार्ड डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पर हम इंग्लिश कर देते हैं। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको पिन को एंटर करना है, तो आपको एंटर पिन पे क्लिक करना है। तो अभी हम यहाँ पर जो है पिन एंटर कर देते हैं। तो अब पिन एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है वो सिलेक्ट करना है। तो अभी हमें पैसे निकालने हैं, तो इसके लिए हमें विड्रॉवल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप विड्रॉवल पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो नो कैश इन एटीएम। तो अभी फिलहाल के लिए इस वाले एटीएम में कैश नहीं है। अगर एटीएम में कैश होगा तो डायरेक्टली आपको दिखाई देगा कि आपको कैसी नोट चाहिए, कितनी नोट चाहिए, और डायरेक्टली आपके जो है ना यहाँ से पैसे निकल जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो पैसे हमारे निकलेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले कार्ड निकाल लेना है। ये आप देख सकते हो पैसे भी निकल चुके हैं और यहाँ से रिसीप्ट आपको निकाल देनी है। तो आपको भी ऐसे ही एटीएम कार्ड से पैसे निकालने हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अब जब एटीएम कार्ड से आप जाओगे तभी आपको यहाँ पर एक बार देख लेना है कि एटीएम कार्ड फिर से जो है ऑन हो जाना चाहिए। आपका जो ट्रांजेक्शन है वो ऑन नहीं होना चाहिए, ट्रांजेक्शन ऑफ हो जाएगा, उसके बाद में वी एक्सेप्ट आएगा, तब आपको जाना है।